अभी अभी भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर छियासठ प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि अड़सठ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है वहीं 10 सीटों पर आसू और दो सीट पर जदयू और एक सीट पर लोजपा के प्रत्याशी होंगे और इस बीच दिन भर की चली बैठक के बाद अभी देर शाम भारतीय जनता पार्टी ने अपने छियासठ प्रत्याशियों की सूची जारी की है जिसमें राजधनवार से प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी राजमहल से अनंत ओझा बोरियो से लोबिन हेम्ब्रम यहाँ पर जो है सो लॉबिन हेम्ब्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा से आए थे उनको बोरियो से टिकट दिया गया है लिट्टी पारा से बाबू धन मुर्मू महेशपुर से नवनीत शिकारी पारा से पारितोष सोरेन नाला से माधव चंद्र महतो वहीं आप देखेंगे तो जामतारा से सीता सोरेन को टिकट दिया गया जी हाँ जामतारा जनरल सीट है यहाँ से सीता सोरेन को दिया गया है दुमका से लुईस मरांडी का पत्ता इस बार कट गया है वहाँ से सुनील सोरेन को टिकट दिया गया है जामा से सुरेश मुर्मू को टिकट दिया गया है वहीं जरमुंडी से देवेंद्र कुमार मधुपुर से गंगा नारायण सिंह सारठ से रणधीर कुमार सिंह देवघर से नारायण दास पुरिया हाट से देवेंद्र नाथ सिंह गोड्डा से अमित कुमार मंडल महगामा से अशोक कुमार भगत कोडरमा से श्रीमती नीरा यादव बरकट्ठा से अमित कुमार यादव बरही से मनोज यादव बरका गांव से रोशन लाल चौधरी हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सिमरिया में जो वहां के किशुनदास विधायक हैं उनका पत्ता कट गया है सिमरिया से किशुनदास का टिकट काट लिया गया है और वहाँ उनके जगह पर उज्जवल दास को टिकट दिया गया है बगोदर से नागेंद्र महतो जमुआ से केदार हाजरा का टिकट कटा है और यहाँ पर मंजू देवी को टिकट दिया गया है गांडे में श्रीमती मुनिया देवी को टिकट दिया गया है गिरिडीह से निर्भय कुमार शाहबादी पर फिर से भाजपा ने एक बार विश्वास जताया है बेरमो से रविंदर पांडे को टिकट दिया गया है ये एक बड़ा चेंज है कि यहाँ से जो है सो रविंदर पांडे जो पूर्व सांसद हैं गिरिडीह के उनको टिकट दिया गया है बोकारो से बिरंची नारायण को टिकट दिया गया है चंदन क्यारी से अमर कुमार बावरी को सिंदरी से श्रीमती तारा देवी को उसी तरह से अगर निरसा की बात करें तो वहाँ पर श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता को धनबाद से राज सिन्हा को झरिया से रागनी सिंह को बागमारा से शत्रुघ्न महतो ये डुल्लू महतो के भाई हैं शत्रुघ्न महतो को टिकट दिया गया है बहरागोरा से दिनेशानंद गोस्वामी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाग रहे हैं भाजपा के उनको टिकट दिया गया है घाटशिला से बाबूलाल सोरेन को जो चंपाई सोरेन के पुत्र हैं उनको टिकट दिया गया है पोटका से मीरा मुंडा को जो अर्जुन मुंडा पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी हैं उनको टिकट दिया गया है वहीं जमशेदपुर पूर्वी सीट से जो सबसे हॉट सीट बनी हुई थी इसको लेकर के काफ़ी जद्दोजहद चल रही थी वहाँ पर श्रीमती पूर्णिमा दास को टिकट दिया गया है पूर्णिमा दास पूर्व मुख्यमंत्री और अभी उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की पुत्र वधु हैं इनको टिकट दिया गया है सरायकेला से चंपाई सोरेन लड़ रहे हैं चायबासा से श्रीमती गीता बालमुचू मझगांव से बरकुमर गागराई जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा चकरधरपुर से शशिभूषण सामत खरसावा से सोनाराम बोंद्रा उसके बाद तोरपा से कोचे मुंडा खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा खिजरी से रामकुमार पाहन रांची से सी सिंह हटिया से नवीन जायसवाल दोस्तों इन दिनों दोनों सीट को लेकर के काफ़ी चर्चा का बाजार गर्म था और चर्चा ये थी कि हटिया से इस बार नवीन जायसवाल को रांची शिफ्ट किया जाएगा और हटिया में कांग्रेस के जो अजय नाथ सहदेव हैं उनको टिकट दिया जाएगा लगातार ये खबरें सुर्खियों में थी लेकिन फिर से एक बार रांची से सीपी सिंह को ही टिकट मिला है और हटिया से ही नवीन जायसवाल चुनाव लड़ेंगे कांके सीट पर परिवर्तन किया गया समरी लाल का टिकट काट करके पूर्व विधायक जीतू चरण राम को यहाँ पर टिकट दिया गया है मांडर से सन्नी टोप्पो को टिकट दिया गया है खिजरी सिसई से अरुण उराव को टिकट दिया गया है गुमला से सुदर्शन भगत जो पूर्व सांसद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं उनको टिकट मिला है बिशुनपुर से समीर उराव को टिकट दिया गया है सिमडेगा से श्रद्धानंद मेसरा को टिकट दिया गया है कोलेबिरा से सुजान जोजो को टिकट दिया, दिया गया है मनिका से हरिकृष्ण सिंह को टिकट दिया गया है लातेहार से प्रकाश राम को टिकट दिया गया है पाकि से कुशवाहा शशिभूषण मेहता को टिकट दिया गया है डाल्टनगंज से आलोक कुमार चौरसिया को टिकट दिया गया है विश्रामपुर से रामचंद्र चंद्रवंशी को टिकट दिया गया है छतरपुर से श्रीमती पुष्पा देवी भुइया को टिकट दिया गया है हुसैन से कमलेश कुमार सिंह गढ़वा से सतेंद्र नाथ तिवारी और भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही ये छियासठ प्रत्याशियों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने आज जारी कर दी है और इन छियासठ में अगर आप देखेंगे तो कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर आए थे तो उनको टिकट मिला है और उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन को टिकट मिला है घाटशिला से चंपई सोरेन सरायकेला से ही लड़ेंगे अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को टिकट दिया गया है वहीं जो जमशेदपुर पूर्वी की सीट काफ़ी हॉट बनी हुई थी कि पूर्वी सीट पर क्या होगा वहाँ से पूर्णिमा दास को टिकट दिया गया है जो राज्यपाल अभी उड़ीसा के राज्यपाल हैं रघुवर दास उनकी पुत्र वधु है हटिया और रांची इन दोनों सीटों को लेकर के जो बातें चल रही थी उस पर पूरी तरह से पूर्ण विराम अब लग गया है जो जहाँ के विधायक हैं उनको वहीं से लड़ाया जा रहा है सीपी सिंह को रांची से नवीन जायसवाल को हटिया से उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो इसमें जो सिमरिया विधानसभा क्षेत्र क्षेत्र में परिवर्तन किया गया है वहाँ से किशुन दास को टिकट नहीं दिया गया उनके जगह पर उज्जवल दास को टिकट दिया गया है एक परिवर्तन ये किया गया है केदार हाजरा की के जगह जमुआ में मंजू देवी को टिकट दिया गया है दो परिवर्तन हुआ है यहाँ पर इसके अलावा देखें बेरमो में जो है रविंदर पांडेवर्ग पर, पर भरोसा किया गया है इस बार पार्टी के द्वारा बाकी लगभग वही कैंडिडेट हैं जामताड़ा में गीता इनको आ, सीता सोरेन को लाया गया है जामताड़ा से बाकी लगभग वही चीज़ें हैं जो पहले से या तो चुनाव लड़े थे पिछले मरतबा या फिर इस बार जो है सो आ, विधायक हैं दुमका सीट पर जो लुइस मरांडी का था वो पत्ता कट गया है अभी बरहेड सीट की घोषणा नहीं की गई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जहां से चुनाव लड़ते हैं बरहेट सीट की घोषणा नहीं की गई है वहीं अगर आप देखेंगे तो बड़का गांव विधानसभा सीट में यहां पर अगर आप देखते हैं बड़का गांव में तो बड़का गांव में जिनको टिकट दिया गया है अगर उनके उनके बारे में आपको मैं बताऊं कि बड़का गांव में आ, टिकट दिया गया है रोशन लाल चौधरी को रोशन लाल चौधरी आंसू के थे उनको भाजपा में शामिल करा करके और भाजपा के सिंबल पर अब वो चुनाव लड़ेंगे तो ये जो सूची थी भारतीय जनता पार्टी की आपके समर्थ रखा लाइव सेवन ने पहले ही इन सारे नामों की चर्चा की थी जब दो दिन पहले ये बातें आ रही थी कि इनको कहाँ से टिकट मिलेगा लगभग चालीस पैंतालीस नामों की चर्चा लाइव सेवन ने की थी बहरहाल अब टिकट का घोषणा टिकट की घोषणा हो चुकी है और अब इसके बाद देखना है कि आगे क्या कुछ जो दो सीटें बची हुई है उस पर किन को टिकट भाजपा देती है हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ख़िलाफ़ फिर से भाजपा जो है लुइस मरांडी को बरहेड से विधानसभा चुनाव लड़ाने की सोच रही है अब देखते हैं कि वहाँ पर आ, क्या कुछ होता है इंतज़ार करना होगा एक दो दिनों का वो भी सीटें उस सीट की भी घोषणा जल्द हो जाएगी